अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलीनास कुकिंग यूट्यूब चैनल और आज हम बनाएंगे चिकन टॉर्टिला रैप। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया है फ्राई पैन, उसमें डाल दिया है ऑयल और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप की हुई, उसको हम 10 सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। यहाँ बोनलेस चिकन लिया है मैंने, इस तरह से उसको स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे और एक मिनट के लिए हमने चिकन को सॉटे कर लेना है। देखिए चिकन अच्छी तरह से सॉटे हो चुका है, अब इसके अंदर हम काली मिर्चों की पाउडर और चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से 30 सेकंड के लिए हमने सॉटे कर लेना है। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे अब शिमला मिर्ची कट की हुई, प्याज चॉप की हुई, कॉर्न डाल देंगे, इसको भी हम 30 सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, वेजीज की हमने क्रंचनेस रखनी है। अभी इसी के अंदर हम डाल देंगे नमक, नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर मैंने लास्ट में इसलिए डाले हैं क्योंकि टमाटर डालते साथ हमको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसी के साथ साथ हम डाल देंगे इसमें टमाटो केचप। और मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। फ्लेम हमने बंद कर चुके, अब चीज़ डाल के हमने इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेना है, यानी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर कर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखिए इसको प्लेट में हमने निकाल चुके हैं। यहाँ मैंने लिया है टॉर्टिला रैप, ये मैंने रेडीमेड वाला लिया है, ये देखिए इस तरह से आता है पैकेट में। अब इसमें हम अपनी चिकन की चीज़ी जो स्टफिंग हमने बनाया है वो इसमें हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है मिंट गार्लिक मोयो, वो इस पर अप्लाई कर देंगे। आप इस पर केचप भी लगा सकते हो। अब इस पे हम रख देंगे जो हमने स्टफिंग बनाई थी। स्टफिंग आप अपने हिसाब से जितनी आपको फिल करनी है आप उतनी फिल कर सकते हो। उसके बाद इस तरह से हमने इसको रैप कर लेना है। रैप करने के बाद हम इसको फॉइल पेपर या बटर पेपर में भी रैप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने फॉइल पेपर में रैप किया है और मिडल से अब इसको कट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये बन चुके हैं।